हल्द्वानी के बलभूलपुरा में गुरुवार को हुए पथराव में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से अधिक लोग घायल भी हुए। जानकारी के मुताबिक सभी घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस और इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। सीएम धामी ने लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस के अनुसार बनभूलपुरा में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिवार को छावनी में बदल दिया गया है। इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। एसएसपी, डीएम समेत जनपद के आला अधिकारी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बता दें, गुरुवार को थामा बनभूलपुरा के पास मालिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। नगर निगम की टीम आज जेसीबी लेकर पहुंची। इसी दौरान वहां मौजूद उपद्रवियों ने प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों के पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी। थाना बलभूलपुरा के पास ही पुलिस की गाड़ी में भी आग लगाई गई। हालात बेकाबू होने की वजह से पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलतबा दें कि नगर निगम की टीम अवैध मदरसे और नमाज स्थल को गिराने के लिए गुरुवार को जेसीबी मशीन लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस के जवान भी उनके साथ थे, लेकिन इससे पहले कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू हो पाती, स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिस समय ये घटना हुई थी, उस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा समेत नगर निगम की बड़ी टीम मौके पर मौजूद थी। कार्रवाई के दौरान मलिक के बगीचे के आसपास के रहने वाले अराजक तत्वों ने पुलिस कर्मियों और पत्रकारों पर जमकर पथराव किया। हाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी की घटना को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की।